तो हमारे पास वैल्यू दी है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू। तो देखिए हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके लिए जो है पी एक्स की वैल्यू हम पुट करते थे इसमें, देखिए 0 1 2 जो भी इसके फैक्टर है। तो हमने इसके फाइन सबसे पहले हम लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास पी एक्स है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप था हमारा चेकिंग चेकिंग पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए जीरो वैल्यू से पुट करेंगे तो देखेंगे हम पी एक्स में एक्स की वैल्यू पुट जीरो करेंगे, अगर इसका जो है लास्ट में जो है जीरो आ रहा है तो मतलब कि ये जो है प्रॉपर डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो उस वैल्यू को हम पुट कर देते थे, तो उस एग्जाम्पल करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे इस वैल्यू में, 0 रेज टू पावर 3 आ जाएगा जब हमने यहाँ पे जीरो पुट किया। तो उसके बाद माइनस टू की जगह क्या आ जाएगा, 2 x की जगह 0 रेज टू पावर 2 माइनस 0 प्लस 2। लेकिन 0 क्यूब क्या आ जाएगा, 0। देखिए 0 की पावर आप 3 या 4 कर लो, 0 को मल्टीप्लाई कर दो 4 टाइम, तो आपके पास फाइनल आंसर जो है 0 ही आएगा। तो नेक्स्ट 0 स्क्वायर 0 जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 0, तो -0 ही आ जाएगा, तो +2। तो देखिए नेक्स्ट क्या आ गया, हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया 2 आ चुका है। तो देखिए चेकिंग फॉर पी एक्स 0 पुट किया था, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, चेकिंग पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 1 के लिए पुट करेंगे हम, ठीक है। तो क्या है, जहाँ हमने पहले 0 पुट की थी वैल्यू, उसकी जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा एक्स की जगह +2। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, -2 ही आ जाएगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 2 2 -1 प्लस 2। तो देखिए क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 कट गए, -2 प्लस 2 कट, तो फाइनल आ गया 0। तो देखिए हमारे पास पुट एक्स इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है, तो यानी कि इसके लिए जो डिवाइजर होगा तो एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, सो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए 1 पे जो है पी एक्स जो है हमें 0 वैल्यू मिल चुकी है, तो क्या होगा, हैंस एक्स, देखिए एक्स इज इक्वल टू 1 था तो जब 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। नाउ क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। तो देखिए जी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस 1। तो ये इक्वेशन बन चुकी है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे किसको, एक्स माइनस 1 से पी एक्स, हमारे पास वैल्यू पता थी तो यहाँ से हमारे पास जो है जी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, एक्स माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स +2। तो सबसे पहले कि एक्स क्यूब ऐसी वैल्यू से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे
जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स क्यूब आए, तो ऐसी वैल्यू होगी एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर इंटू -1 इज इक्वल टू -x². सेकेंड स्टेप में देखिए यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस का, या माइनस का है तो प्लस का, तो साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कट हो गया। नीचे देखिए क्या आ जाएगा, माइनस -2x² + x², तो कि इसके साथ ये वाला साइन ही काउंट किया जाएगा। तो नेक्स्ट आ गया -x² - x+2 जो है नीचे आ गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एक्स को ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये -x² आए, तो देखिए होगी -x, तो क्या आ जाएगी वैल्यू -x² - -+, ठीक है -+ का x, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस आ जाएगा, साइन चेंज। नेक्स्ट देखिए ये तो कट गया, ठीक है अब -+, लेकिन साइन आएगा माइनस का जो बड़ी वैल्यू के, -+ 2x+2 ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए अब ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि -2x आए, तो वैल्यू होगी -2, तो -2x क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस -2 × -1 इज इक्वल टू +2, साइन चेंज प्लस यहाँ पे माइनस, ये कट हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो रिमाइंडर हमारे पास जो है 0 आ चुका है। ठीक है, तो जी एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई ये, तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x - 2। ठीक है, तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, एक x-1 आ चुका है हमारे पास, पी एक्स की एक वैल्यू पी एक्स की हमारे पास आ चुकी है x-1। अब बाकी नेक्स्ट दो वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए नेक्स्ट क्या होगा। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1, ठीक है, इंटू जी एक्स जो हमारे पास ऊपर स्टार्टिंग में वैल्यू थी। ठीक है, अब हमने जी एक्स फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू हमारे पास पहले से आ चुकी है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - x-2। ठीक है, जी एक्स की वैल्यू ये आ चुकी है हमारे पास, इसका जो क्वोशेंट आया हमारे पास, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - x-2। देखिए नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको फैक्टराइज करेंगे। देखिए तो x², देखिए हमें प्लस माइनस करके हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए -1x - 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए -2, 2 मल्टीप्लाई करके 2 और प्लस माइनस करके -1, तो ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है 2 × 1, तो क्या आ जाएगा, देखिए -2x + x, फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू सेम होगी, तो इसको डिवाइड करेंगे हम एक्स से, x² / x इज इक्वल टू x - 2x, एक्स कट जाएगा बच गया 2, तो यहाँ पे देखिए हम कॉमन ले लेंगे +1 × x - 2, तो इन दो में से एक वैल्यू लेंगे हम, सबसे पहले एक्स, यहाँ +1 है तो x + 1 ये और ये वैल्यू, ठीक है, तो इन दो में से जो है एक ही वैल्यू लिखेंगे x-2। तो देखिए तो फाइनल आंसर जो है हमारे पास क्या आ गया है,
So P of x is equal to x minus 1, ठीक है, तो P of x की वैल्यू जो ये थी हमारा x minus 1, तो जी एक्स क्या आ गया हमारे पास, x plus 1 x minus 2,